देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। नैनीताल के मल्लिताल कोतवाली में पुराना मामूली विवाद निपटाने आए दो पक्ष आपस में भिड़ गए। एक पक्ष की महिला ने दूसरे पक्ष के अपने नजदीकी रिश्तेदार के साथ हाथापाई कर दी, जो कैमरे में कैद हो गया। आपको बता दें कि 8 माह पूर्व कार के एक्सीडेंट के खर्चे को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद आज मामला कोतवाली पहुंच गया। मल्लिताल निवासी मनोज ने कोतवाली में एक शिकायत दी, वहीं दूसरा पक्ष भी पीछे पीछे कोतवाली पहुंच गया। कोतवाली के आंगन में पहुंचते ही दोनों पक्षों के बीच आपस में विवाद छिड़ गया। एक पक्ष की महिला ने दूसरे पक्ष के युवक अविनाश पर हमला कर दिया। अविनाश ने अपना बचाव किया, जिसके बाद पुलिस सक्रिय हो गई और उन्होंने दोनों को दूर कर दिया। हमले का यह पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया। आपको बताते चले कि महिला के पति उपेंद्र बेरोजगार हैं और वो अपने नन्हे से बच्चे को लेकर कोतवाली पहुंचे थे। सूचना मिलने के बाद पीड़ित युवक के परिजन भी कोतवाली पहुंच गए।